और राइट गाइस गाइस, सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि बॉक्स प्लॉट को किस तरीके से प्लॉट किया जा रहा है। दो तरीके हैं, एक तरीका तो CSV फाइल के थ्रू है, एक तरीका है मैन्युअली डेटा एंटर करके। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन 10 से ऊपर ऊपर जितना कोड लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपका हो गया नॉर्मल तरीका। ठीक है, सॉरी, ये आपका हो गया CSV फाइल्स के थ्रू, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो सारा तरीका है मैनुअल तरीका। राइट, तो अभी हमने ये करना है कि देखें, ये जितना तरीका है ये आपकी ब्लॉक्स प्लॉट की जो डेटा बॉक्स प्लॉट की जो CSV फाइल है उस फाइल से हमने लिया है। ठीक है, अच्छा, तो हमने बेसिकली CSV फाइल किस तरीके से क्रिएट की, ये बॉक्स प्लॉट डॉट पी वाई के फोल्डर में हमने डेटा बॉक्स प्लॉट की CSV फाइल को पेस्ट किया है। ठीक है, किस तरीके से बनाई हमने फाइल, सबसे पहले आप चेक कर लें। अभी सबसे पहले इस कोड को छोड़ दें, स्टेप वन ये है कि आप इधर आ जाएं ब्राउज़र में मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं इनमें बता रहे हैं कि बॉक्स प्लॉट किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोड है, ये मैन्युअली इसने बता दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जस्ट मुझे एक मिनट देते हैं, आपके पास इस फॉर्म में डेटा है, ये मैं जा रहा हूँ उसी फोल्डर में, आपके पास इस ये CSV फाइल में फॉर्मेट है, सॉरी डेटा है। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी भी वेबसाइट से डेटा सेट मिल जाता है तो आप वहाँ से कॉपी करते हैं, तो आपने कॉपी करके किस तरीके से पेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली वेबसाइट्स पे से आपने डेटा सेट इस तरीके से कॉपी किया, कंट्रोल सी, आपने नोटपैड की फाइल ली और वहाँ ये एज इट इज़ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एज इट इज़ पेस्ट किया, फाइल करके सेव करेंगे जिस लोकेशन पे सेव करना है, जो भी इसका नाम देना है आपने, और आगे एक्सटेंशन आपने देना है CSV, राइट, CSV आपने एक्सटेंशन देना है, उसके बाद आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये सेव हो गई। ठीक है जी, अदर देन दैट भी कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से जिस वेबसाइट से कॉपी किया था उस वेबसाइट से मैंने इसी तरीके से सेव करके चलाई थी तो चल गई थी, तो कोई इशू नहीं हुआ था। ओके, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जिस पी वाई फाइल पे, जिस फोल्डर में आपका फॉर एग्जाम्पल ये टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस में मेरी डॉट पी वाई है, तो इसी उसमें मेरी CSV फाइल ये वाली भी होनी चाहिए। राइट, ये आपकी फाइल आ गई, कॉमा सेपरेटेड फाइल। अच्छा, एक मैं अभी हमने जो थोड़ी देर पहले फाइल बनाई थी उसमें एक छोटी सी गलती ये है कि उसमें कॉमा नहीं है। ठीक है, मैंने एक्सेल से कॉपी किया, तो ये फाइल मैंने की थी कॉपी, तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस फॉर्मेट में चाहिए हमें फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो फॉर एग्जांपल अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ यहाँ पर, और कंट्रोल जी तो यहाँ पे नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कॉमास नहीं थे तो आप कॉमास डाल सकते हैं। ठीक है, पहली रो में आपने कॉमा कॉमा करके डाल दिया, दूसरी रो में कॉमा कॉमा करके, तो आप अगर इस तरीके से आपका मिसिंग डेटा है तो आप कॉमा डाल के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी डेटा साइंस की टेक्निक के अंदर अच्छा तरीका माना जाता है कि आपने क्लीनिंग अपना डेटा का जो है जो मिसिंग वैल्यूज थी उसको सेट करके आप उसको अपने काम में ले आए। राइट, ओके, अभी हमने ये करना है कि ये फाइल का नाम, अगर हमें ये फाइल हमें देनी है ASD ASD, तो हमने ये नाम देना होगा। ठीक है, तो आपने नाम वही देना है जिस हिसाब से आपने ये CSV फाइल चलवानी है। तो ये वाला जो कोड है हमारा,
अब जब मैं इसको रन करूँगा, अभी ये पूरे कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट, नीचे वाले कोड को, इसको हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो उसको मैंने कर दिया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट हो गया, ठीक है जी। एक मिनट, अभी भी कमेंट नहीं हुआ। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आई डोंट नो, वो शायद रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ से मैंने इसको प्ले किया कंट्रोल एस करके, मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। हाँ जी, तो नहीं चल रहा मेरा कोड अभी, क्यों नहीं चल रहा मुझे याद आया, यहाँ पे हमने मैट पोलेब की जो इम्पोर्ट है वो नहीं करवाई। तो इस कोड को चलाने के लिए सबसे पहले हमें ये इम्पोर्ट्स करवानी है, और इसको मैं कमेंट खोल देता हूँ, इम्पोर्ट लाइब्रेरीज मैट पोलेब करवा लेंगे हम, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से, ठीक है। और मैट पोलेब्स डॉट पाई प्लॉट एज PLT करना है हमने, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी और नंपी करना है, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी जो ये लाइब्रेरी है बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करने लगाऊँ, ओके हम वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमारा कोड, ओके गैस, तो हमारा कोड दोबारा से नहीं चल रहा। तो हमने देखा क्या एरर है, हमने बेसिकली ये दो लाइंस भी मिस कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको उठाया, शो प्लॉट करके यहाँ कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, सॉरी। तो बेसिकली ये कमेंट था, PLT डॉट शो को हमने यहाँ से कॉल कराया, और अब हम सेव करके इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि चलता है या नहीं। हाँ जी, तो ये चल चुका है सक्सेसफुली, और आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से इसका डिस्प्ले लेकर आ जाता हूँ जी, ये आ गया इसका डिस्प्ले, ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारे चार कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। तो लेफ्ट वाला जो ग्राफ है, अब मैं डेटा को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैंने कर देता हूँ सीन में ऐड करके विंडो कैप्चर, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। ओके गाइस, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सेल के अंदर डेटा सेट था, इसके बराबर ये वैल्यूज़ इसने प्लॉट कर दी, ठीक है जी। तो ID, ये ID की आ गई, ये मैथ्स का आ गया, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया, और ये साइंस का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। और ये इसका कोड है, ठीक है जी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ लिखा है, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हैं, ठीक है। और ये लाइब्रेरीज, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये इस्तेमाल नहीं हो रही, हमने सिर्फ ये दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हैं। यहाँ पे हमने लिखा है dfpd.readcsv किया है, और बॉक्स प्लॉट इज इक्वल्स टू df बॉक्स प्लॉट फिगर साइज 5.5 कर दिया, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ROT 90, रोटेशन 90 डिग्री है, फॉन्ट साइज 8 है, ग्रिड फॉल्स है, ठीक है जी। और सिर्फ ये तीन लाइनों का कोड है जिससे आपका बॉक्स प्लॉट शो हो जाता है, ठीक है। अब हम मैं दबाऊंगा Ctrl Z या कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पर इस कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक
ठीक है जी, और इस वाले कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट ऑन। ठीक है, कोशिश करते हैं, इसको रन करते हैं, सेव करके कंट्रोल एस दबाया, प्ले किया। अच्छा, ये मैं हटा दूँ पुराना वाला आउटपुट, दोबारा से इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आ गया आउटपुट आपके सामने। अब ये जो सीन है देखने का, वो ये है कि देखें, हमने मैनुअल वैल्यूज़ डाली थी इस पे, np.random.normal 100, 2, 20 और 200, ये वैल्यू।